दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A18 तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि रऊफ नामी शख्स ने एक कोविड पेशेंट को लेकर जाकर कब्रिस्तान में तकसीम किया। अभी हम बात करते हैं 7H और रिपोर्टर और स्टार एक्सप्रेस रिपोर्टर दोनों भी है चैनलों पर, इन्होंने काफ़ी दिनों से अपनी ड्यूटी का अंजाम देते हैं और सीनियर भी है इन्होंने रिपोर्टिंग के। इसी के चलते आज हिंदुस्तान में सारा अफरा तफरी का माहौल है। कोई अपने बाप को खो रहा है तो कोई अपनी माँ को खो रहा है, तो कोई बहन से दूर हो रहा है तो कोई भाई से दूर हो रहा है, कोई शोहर से दूर हो रहा है तो कोई बीवी से दूर हो रहा है। आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि घर में कोविड टाइम था कि उनके एक बेटे साहब थे और कोई दो रिलेशन में थे रिश्तेदार, कोई नज़दीक आने तैयार नहीं थे उन लोग। फिर पूरा कोविड का पूरा यूनिफॉर्म पहन लेके पूरा इंतज़ाम से आए थे उन्होंने कि जब वालदा को उनके जब खबर में उतारना है तो कोई आने के आस्ते तैयार नहीं थे कि जब मेरे को बुला के बोले थोड़ा आजीजी करे तो मैं बिस्मिल्लाह बोल के अंदर उतर गया मैं। फिर उनके कोई दूर के रिलेशन थे कोई देवर, उन्होंने और मैं मिलकर दोनों तस्कीम करें कि आज देखने को ऐसा मिल रहा है कि नफ्सा नफ्सी का एक माहौल आएगा बोल के बोले लोग कि वो एक नफ्सा नफ्सी है कि यहाँ पर खुद दिख जा रहा है एक दुनिया में कि आखिरत में देखेंगे नफ्सा नफ्सी कोई माँ से दूर भागेंगा कोई भाई को नहीं पहचानेंगा बोल के सुनते हम। और हकीकत में बात है अल्लाह मियाँ यहीं बता दे रहे दुनिया में कोई अपनी माँ से दूर भाग रहा कोई अपनी बाप से दूर भाग रहा। क्या आप खबर में तस्लीम करते वक्त आपको किस चीज़ का डर नहीं लग रहा था कि आपके दिमाग में ये सोच नहीं आ रही थी कि मेरे पीछे भी मेरी फैमिली है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे है, मेरा भी परिवार है? क्या आप ये दिमाग में सोच नहीं लाए? बराबर था डर, फिलहाल सिचुएशन ऐसा था वहाँ पर कदम पीछे भी नहीं हटा सकते थे कि सग्गा खून खून ऐसा होगा वाइट होगा कि माँ सामने है माँ की लाश को उतरने के लिए बेटे खुद आगे नहीं बढ़ रहे। तो जब भी अगर मैं अगर मेरे कदम अगर आगे पीछे बढ़ा देता तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती थी इस्लाम के ऊपर ये कि मेरे को देखा नहीं गया कि मेरे खुद आंखों में पानी आ गया जब मैं खबर में जब उतरा कि मेरे को भी एक दिन जाना है, आज उन्होंने गए कल मेरी वालदा जाएंगी या मेरी बीवी जाएंगी या मेरे बच्चे जाएंगे, कल आज इनके साथ हुआ कल मेरे साथ भी हो सकता। तो ये आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, कोविड-19 कोरोना इतना वो नहीं है कि आप लोग डर से आधा मर जा रहे हो और उसको एक डर से माँ जो पैदा करी 9 महीने पेट में रखे उसको आप उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब नाजरीन इनका कहना है, देख सकते हैं इन्हों भी एक किसी माँ के बेटे हैं, इनको भी एक बीवी है, इनको भी बच्चे हैं, इनको भी भाई है, इनको भी सब परिवार है। इसकी फिक्र रखते हुए भी उनके दिल में खौफ खुदा आया और सीधा कब्रिस्तान को चले गए और कोविड-19 के पेशेंट की मैयत को तस्लीम करके अवाम को एक बेहतरीन मिसाल दे दिए कि दुनिया में डर है तो इंसान जीने के लायक नहीं है। मैं रिपोर्टर इमरान खान, कैमरामैन मोहम्मद शौकत के सर। एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट भी है यहाँ पर, ये चिंतलगुड़ा कब्रिस्तान ईदगाह के सामने जो कब्रिस्तान है वहाँ पर है। हम इनको लालागुड़ा रेलवे हॉस्पिटल से लेके आए, इनको कोविड था, कोविड के डर से पब्लिक के दिल में ये इतनी एक भयानक डर बैठ जा रहा। औलाद वालदा को छीने के लिए डरी, औलाद वालदा को खाना देने के लिए डरी, गुसल देने के लिए वहाँ से लोग आए, नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बाहर से मौलवी साहब को बुलाए हम लोग। हम पब्लिक को ये मैसेज देना चाह रहे कि ये बीमारी इतनी डरावनी नहीं है जितना आप लोग ये चीज़ से परेशान हो रहे हैं, वो कोई इतना भयानक नहीं है। क्योंकि हम खुद कोविड पेशेंट को, ये दूसरा है कोविड पेशेंट जो लेडी थी उसको हम नहलाए, उसको खरीद गए, उसके गुसल दिए, उसके कपड़े बदलाए, आज तक अल्लाह के फजलो करम से हम सेहतमंद है। और आप सबसे यही कहना चाह रहे, कोई भी ऐसा है तो अपने में से कोई भी आम लोग आके आगे बढ़िए, ये चीज़ की जो भी है आप लोग जिम्मेदारी लेके पूरा कब्रिस्तान तक पहुँचाइए।